आगे बढ़ते हुए बात बिहार चुनाव की, सुशासन में कितना बदला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण विघा का हाल देखिए। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह की एक खास रिपोर्ट। चुनावी माहौल काफी गर्म है और हम पहुंच चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण विघा। आप यहां पर देख सकते हैं ये कल्याण विघा जाने का, ये नालंदा से जाने वाला रास्ता है कल्याण विघा होते हुए। सड़क की स्थिति यहाँ पर काफी अच्छी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार के अन्य जगहों पर भी ऐसी स्थिति है, क्या क्या चल रहा है बिहार में? बिहार में तो अच्छे काम चल रहा है नीतीश कुमार की योजना में। सड़क चारों पट्टी से है ये है, आवागमन सुविधा है ये है, जनता को भी सुविधा है ये है। चाची आप बताइए क्या काम हुआ है? हाँ भैया काम हो लेना था। बोले हाँ सब ठीक है? सब ठीक है, चुनाव बढ़िया चल रहा है, माहौल भी बढ़िया है, कोई दिक्कत सिक्कत नहीं है, सब इधर ठीक है। काम तो कहीं देख ही रहे, समूचा रोड है, हॉस्पिटल है, आईटीआई है, बिजली अथी है, पावर ग्रिड है, सब हॉस्पिटल है, ये है स्कूल है, ये है। बिहार में अच्छा चल रहा है सब कुछ। चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो बिहार में नीतीश कुमार ही है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। तो ये देखिए नीतीश कुमार का एक गांव है, यहाँ पर साफ तौर पर आप खुद देखिए। मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि अगर इसी तरह से बिहार के अन्य जगहों पर भी, ग्रामीण इलाकों में भी इसी तरह से अगर काम हो तो कहने की बात नहीं। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, कल्याण विघा, हरनौत। सुशासन बाबू के गांव का हाल आपने देखा, जमीनी हकीकत जानिए। उधर बिहार के आरा में कुम्हार परिवारों को नेताजी से बड़ी आस है, लेकिन हर बार नेताजी आते हैं वादे करके भूल जाते हैं। शुभ्रा सुमन की रिपोर्ट देखिए। आरा में घूमते हुए हम पहुंचे हैं यहाँ के मौलाबाग इलाके में। मौलाबाग का इलाका जो है कुम्हारों की आबादी के लिए खास तौर से जाना जाता है। यहाँ पर 150 से भी ज्यादा कुम्हार परिवार हैं। ये कहा जा रहा है कि इनमें से कई परिवार जो हैं वो अभी भी इस काम में लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, दिए, कलश, ये तमाम चीज़ें ये लोग बनाकर बेचते हैं, अपना पूरा परिवार जो है इसमें लगाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। लेकिन इसके साथ ही कहा यह भी जाता है कि इन 150 परिवारों में कई ऐसे परिवार हैं जो अब इस काम से किनारा कर चुके हैं क्योंकि इसमें आमदनी नहीं है। आखिर क्यों ऐसा है और चुनावों में किस तरीके के वादे इनसे किए जाते हैं और जब चुनाव बीत जाते हैं तो किस तरह से इन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, हम ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। और खास चीज़ ये भी कि लॉकडाउन में आखिर क्या गुजरी है इन लोगों पर और अब जब चुनाव का मौसम आ गया है, नेता आ रहे हैं तो इनका क्या कहना है। यहाँ पर देखिए ये काम लगातार पूरे दिन चलता रहता है। यहाँ चचा हैं जो कि सुबह से इस काम में लग जाते हैं और अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात हो रही थी, इन्होंने ये बोला कि हम नहीं चाहते हैं कि आगे वाली पीढ़ी भी इसी काम में लगे क्योंकि आमदनी नहीं है और पहले से स्थिति और ज़्यादा ख़राब हुई है। चचा से ही हम बात करके समझते हैं जो पूरी हालत है। क्या नाम है आपका चचा? भिखारी पंडित, भिखारी। अच्छा ये बताइए चचा कि सरकार आती है, दावा करती है, अब फिर से चुनाव आया है तो नेता लोग आ रहे होंगे, कुछ बदलता है आप लोगों के लिए? कुछ नहीं, क्या देते हैं वो हमारे पास मट्टी देते हैं, कभी मट्टी की जगह दिए हैं, रहने का व्यवस्था दिए हैं, कहाँ रहिएगा, रहने का व्यवस्था कुछ नहीं दिया, कौची दिए हैं, क्या है? तो वादा करके गए थे, क्या बोले थे कि हम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कहाँ एक पैसा हमको मिला। तो आप लोग क्या चाहते हैं इस बार, क्योंकि चुनाव बस होने ही वाला है और सबसे पहले फेज में तो सभी लोग आएंगे काम पड़ने, बस सभी लोग बाबू कहेंगे, चल जाने के बाद तो हम हमारा है, हम किसी पर खाएंगे तो जानेंगे, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब हमको मिलेगा तभी ना हम बोलेंगे कि आप दिए हैं। तो इस बार सरकार से क्या उम्मीद है, चुनाव से क्या उम्मीद है आपको? हमारा अभी कोई उम्मीद नहीं है, वो तो अपने गद्दी पे बैठे रहेंगे, अपना आराम करेंगे, हम लोग को देखने कौन आएगा। तो देखिए यहाँ पर चचा बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो सरकारें हैं उन्होंने वो काम नहीं किया जो ये चाहते थे, सरकारें बदलती रहीं, लंबा अरसा इन्होंने यहाँ पर गुजारा है, देखा है, तमाम चीज़ें महसूस की हैं, लेकिन निराशा जो है वो साफ झलक रही है। लेकिन निराशा में भी मुस्कुराते हुए अपना काम लगातार किए जा रहे हैं। आगे भी इसी तरीके से आम लोगों की बात हम आप तक पहुँचाते रहेंगे ताकि ये समझ में आए कि लोग आखिर चाहते क्या हैं,
क्या बदलाव चाहते हैं, अगर बदलाव चाहते हैं तो जो विकल्प हैं उनसे उनकी क्या उम्मीदें हैं, और जब उन्हें मौका मिला था तो उन लोगों ने, उन पार्टियों ने, उन सरकारों ने इन आम लोगों, इन गरीब लोगों के लिए क्या किया। इसी तरीके से आगे और भी रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। आरा से कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़।